हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम करेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मेंटल सम्स, जो कि होंगे अप टू 19, यानी कि 19 तक के डिजिट्स के ही करेंगे। वैसे ही आने वाले वीडियोस में आप 29, 39, 49, 59 ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। स्लोली बट ग्रेजुअली हम अपनी स्पीड इंक्रीज करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सम सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के सम्स। ये मैंने कुछ सम्स लिखे हैं जो हम मेंटली सॉल्व करेंगे विदाउट टेकिंग एनी पेन पेपर। यस, आई यूज द पेन आपको समझाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। करना कैसे होता है कोई भी चीज को। अब ये फर्स्ट सम है जो मैं आपको मेंटली नहीं, बोर्ड के ऊपर समझाऊंगी कि करना कैसे, फिर आप मेंटली भी कर पाएंगे उसे। 11 + 8। अब यहाँ पे हमें कोई भी नंबर जो कि बेस क्या होता है, 10, 100, ये सारे बेस गिने जाते हैं, 1000, 100, करेक्ट। तो अब सबसे पहले बेस कितना है वो हमें लिखना है, क्योंकि ये 19 तक है, यानी कि 10 प्लस कितना है एक्स्ट्रा 1 प्लस 8 एज इट इज लिख देंगे, यानी कि आंसर हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस ये दोनों को मिक्स करने पे मिलेगा 9, आंसर हो गया 19। ये मेथड हमें मेंटली करनी है। चलिए इसे करते हैं। 6 + 10 + 2, सो 10 + 8 यानी कि हो गया आंसर 18, करेक्ट। चलिए अब यहां से हम ये सारी चीजें लिखेंगे, लेकिन क्विकली। 10 + 4 + 5 यानी कि 10 + 9 = 19, 12 + 7 10 + 2 + 7 यानी कि 10 + 9 आंसर इज 19 अगेन। अब ये है 3 डिजिट के सम्स, इसे कैसे करना है चलिए वो समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 8, 5 और 4, करेक्ट, 3 डिजिट में दिए है, लेकिन सिंगल डिजिट है जिसका आंसर हमें 19 तक ही मिलेगा, क्योंकि हम अप टू 19 कर रहे हैं। इससे कैसे सॉल्व करना, यहाँ पे तो हमने बेस ला लिया। अब यहाँ पे अगर आप सिंगल डिजिट फर्स्ट आप ऑब्जर्व करेंगे 5, करेक्ट, उसको बेस तक लाने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं हमें, 5। तो इससे आप बाइफरकेट कर देंगे, मिडिल डिजिट को आप तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, इसमें जितने कम पड़ रहे हैं वो लिखेंगे प्लस जितने इसमें एक्स्ट्रा है, यानी कि 3, 5 + 3 = 8 + 4, करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया 10 + ये हो गया 7, आंसर मिलेगा हमें 17, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है उसमें बेस तक पहुंचने के लिए जितना कम पड़ रहा है उतना हम इसमें से ले लेंगे, मिडल डिजिट में से जो बचा उसमें, और नेक्स्ट डिजिट को एड करना है साथ में। ये करते हैं 7 + अब कितना कम पड़ रहा है, 3, यानी कि 3 + 2 ये मिडिल को हमने कर लिया यहाँ पे, +6 यानी कि ये हो गया 10 + 2 + 6 = 8, आंसर इज 18। ये आप मेंटली भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 + 5 ऑलरेडी 10 है +8, तो आपको ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 10 + 8 यानी कि 18 ऐसे लिख सकते हैं। आई होप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया है आपको। आपको कोई भी डिजिट जो भी आपको दिया उसे राउंड फिगर तक पहुंचाना है। राउंड फिगर होते हैं 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, करेक्ट। वहां तक पहुंचाने के लिए जितने डिजिट कम पड़ रहे हैं या जितने डिजिट एक्स्ट्रा है उससे नेक्स्ट डिजिट के साथ हमें जंबल अप करना है, और जो आंसर हमें मिलेगा उसे कंबाइन करके फाइनल आंसर लाना। यही बेसिक ट्रिक या बेसिक मेथड आप समझ सकते हैं मेंटल मैथ्स करने की। उसी तरह सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं चलिए समझते हैं। यहाँ पे दिया है 15 - 4। अब ये देखिए, ये सारे सम्स जो है ये बेस से ज्यादा है, करेक्ट। तो क्या करेंगे हम, 10 + 5 - 4, करेक्ट, इसे हमने ब्रेक कर दिया, एक्सपांड कर दिया, तो क्या मिला 15 का 10 + 5 और -4 एज इट इज हमने लिख दिया। अब हम ये कर सकते हैं, 5 - 4 कितना मिलेगा, 1, सो 10 + 1 लिख सकते हैं, आंसर हो गया हमारा 11। लिखने में मेथड बड़ा दिख रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यही चीज हम जब मेंटली करते हैं बहुत क्विक हो जाती है, प्रैक्टिस करते हैं तो और भी ज्यादा एक्यूरेटली क्विकली आंसर हम ला सकते हैं। चलिए ये करते हैं, 10 + 7 - 6 यानी कि 10 + 1 आंसर 11, क्योंकि 7 - 6 = 1 मिलेगा हमें, करेक्ट। सेम चीज करेंगे, 10 + 6 - 5 - 10 + 1 आंसर हमारा हो गया 11। नेक्स्ट हम देखते हैं, 10 + 8 - 5 - 10 + 3 आंसर हो गया हमारा 13, क्योंकि 8 - 5
3 मिलेगा हमें, करेक्ट। 17 माइनस 5, सो 10 प्लस 7 माइनस 5, आंसर हो गया 10 प्लस 2, क्योंकि 7 माइनस 5 2 हो जाता है, आंसर मिलेगा हमें 12। ऐसे जब हम एक्सपांड कर देते हैं कोई भी चीज को, आंसर क्विक हो जाता है क्योंकि डिजिट छोटे हो जाते हैं, और जब डिजिट छोटे होते हैं वो हम मेंटली बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं 3 डिजिट। अब यहाँ पे 3 डिजिट हो जाते हैं तो क्या करना है वो देखते हैं। फर्स्ट एज इट इज हमें एक्सपांशन करना है, 10 प्लस 7, बाद में तो माइनस ही है तो हम माइनस करेंगे, -4 -2। अब ये -4 और -2 हम एक साथ कैसे लिखेंगे, 4 और 2 का प्लस कर देंगे 6 हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 7 -6, करेक्ट। क्या आंसर मिलेगा अगर 7 में से 6 चला गया तो, 10 प्लस 1, आंसर 11। अब मैं ये तरीके से दिखाती हूँ जो पहले दिखा रही थी, 16 यानी कि 10 प्लस 6 -2 -2, सो 10 प्लस 6 ऐसे ही लिखेंगे, 2 प्लस 2 4 कर देंगे -4, तो क्या हो गया 16, यानी कि 10 प्लस 6 -4 is 2, आंसर इज 12 अगेन, करेक्ट। तो ये इतना लंबा लिखने से अच्छा हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये दो जो डिजिट है उसे प्लस करके डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। ये मैं रब कर रही हूँ, फाइनल आंसर हमें जो मिला है 12 है। अब इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं, 10 प्लस 6 -3 and 2 is 5, करेक्ट। सो 6 में से 5 चला जाएगा 1, 10 प्लस 1, आंसर है 11। देखिए कितना क्विकली हम कर पा रहे, 15, सो 10 प्लस 5 -3 -2, इसे हम डायरेक्टली लिखेंगे -5, करेक्ट। 10, 5 और 5 0 हो जाएगा, सो आंसर हमें मिलेगा 10 एस इट इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 0, आंसर इज 10। लेकिन ये मेंटली है, आप अपने दिमाग के हिसाब से स्किप कर सकते हैं स्टेप्स को, लेकिन मेथड हमेशा सेम रहेगा, बस इसे आपको रिवाइज करना है। ये सारे सम्स जो आपने यहाँ देखे वो खुद से सॉल्व कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए और मेंटली सॉल्व कीजिए। वीडियो जब हम एक्सप्लेन करते हैं हार्डली वो 5 मिनट लेता है, इतने सम एक्सप्लेन करने में, यानी कि आप ये सम समझने के बाद जब खुद से सॉल्व कर लेंगे, इट हार्डली टेक 1 or 2 मिनट टू सॉल्व मोर देन 10 सम्स। आई होप समझ में आया है, अगर आप उसे समझेंगे, करेंगे खुद से, कॉन्सेंट्रेट लगाएंगे तो आपका आंसर एक्यूरेट आएगा। छोटे डिजिट है, आपको जल्दी हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। वर्कशीट को सॉल्व कीजिए टाइमर सेट करके और आंसर वेरीफाई कीजिए। आई होप ये क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।